अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। भागलपुर में विद्युत शब्दागिरी खराब, 72 घंटे में लौट गए 20 सब। भागलपुर में 41 दिन पहले ही बराड़ी में शुरू हुए विद्युत शब्दागिरी 72 घंटे से खराब है। 2.35 करोड़ की लागत से शब्दागिरी को चालू किया गया था। इसके चालू होने से खासकर गरीब और कोरोना से मरने वाले लोगों का दाह संस्कार होता था। अब उन्हें दाह संस्कार के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। 3 दिनों में करीब 20 सब विद्युत शब्दागिरी से लौट गए। करोड़ों की लागत से स्थापित शब्दागिरी के खराब होने पर मशीन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। संबंधित एजेंसी भी कटघरे में है। मेयर सीमा साहा ने जांच के आदेश दिए हैं। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सका महाविद्यालय अस्पताल के 15 विभागों में 58 डॉक्टरों की नियुक्ति। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सका महाविद्यालय अस्पताल के 15 विभागों में 58 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। साथ ही जगदीशपुर स्वास्थ्य केंद्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता कुमारी की नियुक्ति की गई। अस्पताल के विभिन्न विभागों में पीजी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 53 डॉक्टर को भी सरकार की नियुक्ति मिली है। 3 वर्षों तक सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पद पर कार्य करेंगे। सुशांत के नाम पर सुल्तानगंज में बन रही फिल्म सिटी जमीन की गई चिन्हित। बॉलीवुड के उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सुल्तानगंज में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। इसके लिए नवादा मौजा के पास 10 एकड़ जमीन का चयन भी किया गया है। सितंबर तक निर्माण शुरू हो जाएगा। इसमें आधुनिक ऑडिटोरियम व वीडियो एडिटिंग लैब के अलावा शूटिंग से जुड़ी सारी सुविधाएं होंगी। भागलपुर में घट रहा है गंगा का जल स्तर, तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों ने ली राहत की सांस। भागलपुर में गंगा का जल स्तर बीते 2 दिनों से घट रहा है। शुक्रवार को गंगा के जल स्तर में 6 सेंटीमीटर और कमी आने के आसार हैं। बड़हाल गंगा का जल स्तर 33.31 मीटर है, जो खतरे के निशान से 0.37 मीटर नीचे है। जल स्तर में लगातार हो रही कमी से गंगा तटवर्ती क्षेत्र में रह रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। पूर्णिया से दिल्ली जा रही बस सकड़ी में हाईवा से टकराई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पूर्णिया से दिल्ली जा रही बस सकड़ी के पास NH57 पर हाईवा से टकरा गई। घटना गुरुवार की रात लगभग 9 बजे सकड़ी थाना क्षेत्र की है। घटना में ड्राइवर सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में एक महिला भी है। पूशी रेलवे कटिहार से सिक्किम तक पहुंचेगी ट्रेन, 14 सुरंग बनाए जाएंगे। कटिहार सिक्किम भी अब रेलवे के नक्शे में शामिल हो जाएगा। पूसी रेलवे की 8,900 करोड़ की यह रेल परियोजना तकनीकी कारणों से ठप पड़ा था। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच इस रेल परियोजना पर काम तेजी से करने का निर्देश दिया गया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी शुभा चंद्रा ने बताया कि पश्चिम बंगाल के सिवोक से सिक्किम के रंगपो के बीच 44.96 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जानी है। 41.55 किलोमीटर हिस्सा बंगाल तथा 3.41 किलोमीटर हिस्सा सिक्किम में होगा। महानंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होकर रेल लाइन गुजरे जाने के कारण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से NOC मिलने के बाद काम तेजी से कराया जा रहा है। 44.96 किलोमीटर रेल परियोजना में 14 सुरंग, 13 पुल भी बनाया जाएगा। भगवान भरोसे ही हो रही है हवेली खड़गपुर में खेतों की सिंचाई। मुंगेर किसानों के हर खेत तक पानी पहुंचाने के सरकारी दावे खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र में धरातल पर नहीं उतर आया है। यही कारण है कि आज भी नक्सल प्रभावित दर्जन गांव में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान परेशान है। इन खेतों तक पानी तभी पहुंच पाता है जब भगवान इंद्र की कृपा होती है, अर्थात जब बारिश होती है तभी यहाँ के किसान खेतों में बुआई कर पाते हैं। बाजार को लगी नज़र, सड़क पर भीड़ लेकिन दुकान में बोहनी तक नहीं। भागलपुर में अनलॉक 3 में कुछ नियमों और शर्तों के साथ दुकानें खुल गई है। बाजार में भीड़ भी है लेकिन बिक्री नहीं हो पा रही है। बोहनी तक पर आफत है। व्यापारियों में
उहापोह की स्थिति है। कई व्यापारी तो कारोबार समेटने तक की बात कर रहे हैं। भागलपुर में मार्च से पहले सराफा सहित अन्य कारोबार 4 से 5 करोड़ का होता था, जो अभी 1 करोड़ में सिमट कर रह गया है। बोले मंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर अग्रसर हैं। बिहार में किए जा रहे विकास कार्यों के मॉडल को केंद्र सरकार भी अपना रही है। उक्त बातें ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने 6 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रखंड सह अंचल कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने धरहरा प्रखंड में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा स्वीकृत 25,90,000 रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 12 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 21 अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी 19 अप्रैल 1919। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। जानिए भागलपुर के किस अनुमंडल में बनेगा जेल भवन और आवास। भागलपुर कहलगांव अनुमंडल में शीघ्र ही जेल भवन और आवास का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जमीन का निरीक्षण करने जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा कहलगांव आए। उन्होंने 4 जगहों पर प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया, जिसके बाद सलेमपुर सैनी मौजा में 15 एकड़ जमीन की मापी कराने का निर्देश सीओ को दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी बिहार के विभिन्न मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे, किया ये ट्वीट। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रदेश की नीतीश सरकार पर एक बार फिर हमलावर हुए। उन्होंने बिहार के बीते 15 वर्षों के कार्यकाल को लेकर एक के बाद एक कई आरोप लगा डाले। उन्होंने बिहार में बाढ़, कोरोना महामारी संक्रमण के फैलने, बिहार में बेरोजगारी, प्रदेश के गंदे शहरों में गिनती, बिहार में गरीबी और प्रदेश में हुए कथित 57 घोटालों को लेकर ट्वीट किए। सुप्रीम कोर्ट बोला, कोरोना के चलते नहीं रोक सकते बिहार विधानसभा चुनाव टालने के दायर याचिका खारिज। बिहार में कोरोना महामारी और बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि कोरोना महामारी बिहार चुनाव को स्थगित करने का आधार नहीं हो सकती है। हम कोरोना की वजह से इसे नहीं टाल सकते हैं, इस मामले में चुनाव आयोग ही सब कुछ फैसला लेगी। जनहित याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से बिहार के कोरोना और बाढ़ से पूरी तरह मुक्त होने तक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं करने का निर्देश चुनाव आयोग को देने का आग्रह किया गया था। तेजस्वी के साथ रहने वाले संजय यादव कोरोना पॉजिटिव, नेता विपक्ष आइसोलेट, सभी मीटिंग कैंसिल। बिहार नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ रहने वाले संजय यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सूचना मिलते ही तेजस्वी यादव ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ गुरुवार को होने वाली मुलाकात भी टाल दी है। बड़े भाई को तवज्जो नहीं और छोटे पर मेहरबानी। राजस्व और श्रेणी के मामले में भागलपुर जंक्शन का स्थान राज्य के चुनिंदा स्टेशनों की सूची में है। A1 ग्रेड की हैसियत वाले जंक्शन को छोड़कर रेलवे A ग्रेड के स्टेशन पर मेहरबान है। यहां से किसी भी शहर के लिए सीधा स्पेशल ट्रेन नहीं देकर रेलवे ने भागलपुर की जगह छोटे स्टेशन जयनगर और सहरसा रेलवे स्टेशनों को बेहतर समझा है। रेलवे ने सीधे तौर पर भागलपुर को उपेक्षित किया है। सूबे का पहला स्मार्ट सिटी शहर के नाते भागलपुर पूर्व रेलवे जोन का तीसरा राजस्व देने वाला स्टेशन है। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ दूसरे कई स्टेशनों के अपेक्षाकृत ज़्यादा है। बावजूद यहां के यात्रियों का ख्याल नहीं रखा गया है, अब भागलपुर से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। बिहार के DJP का दिया का जवाब, मेरी औकात ये है कि मैं सुशांत से प्यार करती हूँ।
सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने गुरुवार को एक टीवी चैनल से बातचीत की। इसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। रिया ने बिना बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का नाम लेते हुए उन्हें एक तरह से जवाब दिया। रिया ने कहा, किसी ने मुझे मेरी औकात बताई है कि मेरी औकात क्या है। मेरी औकात यह है कि मैं सुशांत से प्यार करती हूँ। किसी ने मुझे विषकन्या बुलाया है तो किसी ने कहा कि मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ, उन्हें कैसे पता। कोरोना संक्रमण से बिहार में 15 लाख नए एंटीजन किट की हुई खरीद, 30,000 ट्रू नेट किट मंगाए गए। बिहार में कोरोना जांच की कार्रवाई कमजोर नहीं पड़े, इसके लिए 15 लाख नए एंटीजन किट की खरीद की गई। स्वास्थ्य विभाग अधिक से अधिक लोगों की कोरोना जांच सुनिश्चित करने में जुटा है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 15 लाख नए एंटीजन किट की खरीद के बाद उसे जिलों में उपलब्ध कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग ने मांग के अनुसार कोरोना की जांच के अलावे अपनी ओर से भी पहल कर कोरोना जांच कर रहा है। चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई टाली। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने 11 सितंबर के लिए सुनवाई टाल दी है। यह जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत देने का आग्रह लालू प्रसाद ने किया था। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली। 150 सीट पर चुनाव लड़ेगी पप्पू यादव की पार्टी। पटना के सभी सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। पूर्व सांसद पप्पू यादव की पार्टी एक कदम आगे ही चल रही है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने सीएम को लिखा पत्र, मानसिक पीड़ा से ऐसे पुलिसकर्मी आत्महत्या कर सकते हैं। पटना पुलिस मुख्यालय द्वारा 50 साल से ज्यादा उम्र के पुलिस कर्मियों के काम की समीक्षा संबंधी आदेश के विरोध में बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर आदेश को वापस लेने का आग्रह किया है। एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार के आदेश के तहत पत्र पर निर्गत कर 50 साल से अधिक उम्र के अनुभवी पुलिस कर्मियों को अयोग्य घोषित करके सेवा से हटाने की साजिश हो रही है। इस तरह के आदेश से किसी भी वर्गीय के अधीन कार्य कर रहे कर्मी का आर्थिक और मानसिक शोषण होगा। बिहार में मिले 1998 नए मामले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 130,848। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रत्येक दिन हजारों की तादाद में मरीजों की संख्या सामने आ रही है। देखते ही देखते पूरा बिहार इसकी चपेट में आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1998 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 130,848 हो गई है। बिहार में फिलहाल एक्टिव मरीज 20,489 है। आज के लिए बस इतना ही। सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए बने रहे जीएस न्यूज के साथ। धन्यवाद।